गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। वेल, मैं अभी हाल फिलहाल ये धूप एंजॉय कर रही हूँ जो कि रेयरली ही देखने को मिलती है कनाडा में, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर। आई नो जगराज ने पिछली वीडियो में भी ये मेंशन करा था, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग। नवंबर में मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी स्नो पड़ जाती है यूजुअली यहाँ पे, और आज का टेम्परेचर है 12 डिग्री, मतलब हमारे लिए तो जन्नत है, जन्नत जिसको कहते हैं। खैर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी वेदर के बारे में डिस्कशन करते हुए, ये बताना चाहती हूँ और ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कि यार प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं अपने वीडियो और चैनल का एनालिसिस कर रही थी द अदर डे एंड आई नोटिस कि जितने भी मैक्सिमम व्यूज़ आते हैं वो आते हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाओगे सो इट विल एक्चुअली मीन अ लॉट टू अस एंड यस, डू सपोर्ट आवर चैनल इफ यू लाइक आवर कॉन्टेंट। वेल, आज की प्लानिंग ऐसी है दैट टुडे इज नवंबर द 9th, विच मीन्स दैट आर लिटिल कबीरी, आर लिटिल बेबी हैज टर्न 4 मंथ्स ओल्ड टुडे। टाइम हैज लिटरली जस्ट फ्लोन बाय, मतलब पता ही नहीं लगा कि आई थिंक ये टाइम जो उड़ा है वो इसलिए उड़ा है क्योंकि मम्मी आती और अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाती। सो ऑल थैंक्स टू माई मॉम दैट शी इज हेयर एंड शी हैज रियली हेल्प्ड अस आउट इन एवरीथिंग। दूसरी चीज ये कि आज हम जाने वाले हैं सेफोरा, बिकॉज वी आर सून प्लानिंग टू गो टू इंडिया। तो आज हमने सोचा था कि धीरे धीरे हम थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू सेफोरा बिकॉज दे हैव दिस लिटिल सेल गोइंग ऑन, सो आई एम गोना पिक अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम देयर। अपने लिए भी मुझे थोड़ी बहुत चीजें खरीदनी है और मम्मी ने भी खरीदनी है, सो विल टेक यू गाइस अलोंग विद अस टू द मॉल। तो जी, अब हम जा रहे हैं मॉल। आज गाड़ी में थोड़ा सा आपको खालीपन लग रहा होगा क्योंकि जगराज नहीं और मैं ड्राइव कर रही हूँ और मम्मी बैठी है कबीर के साथ पीछे। मॉल जो हम जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, हम स्क्वायर वन जा रहे हैं। काफ़ी फेमस मॉल है, बहुत ही बड़ा मॉल है यहाँ का और हमारे घर से लिटरली सिर्फ 8 मिनट की ड्राइव है। द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर हाउस इज कि सब कुछ बड़ा अप्रोचेबल डिस्टेंस है। तो बस अभी मॉल जाएंगे और वहाँ से यू नो फटके लेने शुरू करेंगे खर्चों की, जो जो रह गए हैं और जो जो करने हैं। बाकी दिखाती हूँ आपको वहाँ पे कैसा है, क्या क्या लेंगे। सामने दो बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी थोड़ी गोलो मोलो सी, ये बेसिकली मोनरो टावर्स हैं। मिसिसागा की लैंडमार्क है बहुत बड़ा डाउनटाउन का, मिसिसागा के डाउनटाउन का। और मम्मी को लग रहा है कि ये मैं मम्मी को बता रही हूँ लेकिन मैं ये अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ, मुझे क्यों बता रही है। कभी तो जी, अब हम जा रहे हैं मॉल की तरफ और फटाफट से मॉल के अंदर घुसते हैं एंड लेट्स स्टार्ट शॉपिंग। तो प्लान कुछ ऐसा है कि अभी सबसे पहले हम सेफोरा जाएंगे एंड मुझे एक जैकेट भी लेनी है कबीर के लिए, विंटर जैकेट टाइप की। तो देखती हूँ यहाँ पे कहाँ पे जाऊँगी, किस स्टोर में कौन किस तरह की जैकेट मिलती है एंड फिर एक छोटी सी पेस्ट्री या केक, जो भी, जस्ट टू सेलिब्रेट कबीर 4th मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन एंड या दैट्स अबाउट इट। स्क्वायर वन में आपको सारे के सारे ब्रांड्स मिलेंगे, मतलब हाई एंड से लेके डेली वेयर से लेके यू नो अच्छे बजट वाले ब्रांड्स, रीजनेबल कपड़ों के लिए, स्टाइलिश, सब कुछ। यू गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड इट्स अ वेरी बिग लैंडमार्क स्पेशली इन मिसिसागा। तो दूर दूर से भी लोग यू नो दे कम आउट टू स्क्वायर वन टू शॉप अराउंड। तो काफ़ी फेमस मॉल है यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा। सो हेयर कम्स सेफोरा। Hey, thank you. Can I get one basket? Thank you. Thank you. Can't film in here, okay? Oh, we can? No, you can't film. Okay. So, buri khabar ye hai ki mujhe abhi bhi pata laga hai that filming is not allowed inside the store. So, sorry about that, but once I step out, I'm quickly gonna show you what all things I'm buying. गाइस, अभी मैं बिलिंग लाइन में खड़ी हूँ, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहा है कि मैं थोड़ा सा ये रिकॉर्ड करवाऊँ। इसके अंदर भरा हुआ है सारा सामान एंड लेट्स सी कितने का बिल आता है, मैं फिर दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो जी, फाइनली स्टोर के बाहर आ गए हैं और इतना रश था कि उनके अपने बैग ख़त्म हो गए थे तो उनको मुझे ये बैग पकड़ाना पड़ा।
बिल बहुत बढ़िया आ गया है और बाकी आंखें तो दिख ही रही होंगी, पूरा अंदर चेप के आई हूँ, मेकअप अपनी आंखों पे है और पता नहीं क्या क्या फाउंडेशन क्या कंसीलर क्या, बड़ा मज़ा आया। आई थिंक मैंने मेकअप की शॉपिंग बहुत ही टाइम बाद करी है, क्योंकि कोविड में मैंने इतना मेकअप खरीदा नहीं था, क्योंकि इतना यूज़ भी नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, अच्छा खासा फटका लग गया, अराउंड $400 या $405 का बिल आया, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 24-25 हज़ार इंडियन रुपीज़। और अब कबीर के लिए मुझे जैकेट लेनी है, तो अभी पीछे मैंने आई थिंक उसके लिए ग्रीन कलर की जैकेट ली थी, तो अब हम आए हैं गैप किड्स में और वहाँ से कोई और अच्छी सी जैकेट देखते हैं कबीर के लिए। ज़्यादातर कबीर के लिए मैं शॉपिंग गैप से कर लेती हूँ या फिर H&M, मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े इतनी ज़्यादा जल्दी छोटे हो जाते हैं कि बहुत ही डिबेटेबल है यह टॉपिक कि कितने पैसे खर्चा जाए बच्चों के कपड़ों पे। इतने क्यूट क्यूट कपड़े आते हैं, दिल भी नहीं करता छोड़ने का, बट अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अपने बच्चों के लिए आप कहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, सो गैप हैज़ रियली गुड क्वालिटी एट गुड प्राइजेस और इनके पास डिस्काउंट भी अच्छा लगा रहता है। सो या गैप इज़ वन ऑफ द गुड स्टोर्स एंड H&M में काफ़ी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है एट गुड प्राइजेस फॉर किड्स। जो कबीर के लिए मैंने ऑलरेडी जैकेट ली थी, अब वो डिस्काउंट पे भी आ गई है, मैंने ली थी वो 78 की और अब उस पर 40% ऑफ आ गया। ये देख के जो दिल को धक्का लगता है ना मुझे, मतलब दिमाग सड़ जाता है। तो एक अच्छी चीज़ सुनने में जो मिली है कि पूरे स्टोर में 40% ऑफ है और ये जैकेट हमें पसंद आ रही है। इस बार जब मैं साइज़ लूँगी आई थिंक 6 to 12 months लूँगी, क्योंकि अगर लेयर अप करेंगे नीचे तो फिर उसके लिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ जैकेट का लेंगे। 6 to 12 ठीक रहेगा, 3 to 6 पर 6 to 12 लंबा बहुत है यार, और 3 to 6 अभी आएगा, यही कन्फ्यूजन रहती है हर वक्त। अभी वो खुद 4 महीने का है कि 6 to 12 लो कि 3 to 6, फाइनली डिसाइड हो गया 6 to 12 ही ले रहे हैं। पजामा है $30 का और उस पर 40% डिस्काउंट है, पूरे स्टोर पर 40% ऑफ है, तो आप लगा लो 30 पे 40, यानी कि $12 का डिस्काउंट, बढ़िया है फिर तो, और अंदर से गर्म भी है। 6 to 12 ले लो फिर, इसका भी वही तो है। ये हो गया, जैकेट हो गई, चलो जी बिलिंग कराने चलते हैं। एक ये जीन्स बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि अंदर से ना फ्लीस है, कपड़ा बहुत ही वार्म है, तो देखते हैं। ये है जी $40 की, उस पर 40% डिस्काउंट हो गया तो $16 ऑफ हो जाएंगे, तो यानी कि अराउंड 24 समथिंग विद टैक्सेस, प्लस टैक्सेस आई मीन, तो ठीक है, नॉट अ बैड डील। मस्त लाइफ यार, मस्त लाइफ, माँ प्यो बैठे हैं टेंशन लेन लई बच्चे दी अपना सो के मज़े काट रहे हैं। हाय That's my look of the day. So, दो बड़े काम हो गए हैं, मेकअप की शॉपिंग करनी थी और कबीर की जैकेट लेनी थी, दोनों काम फिनिश हो गए हैं। तीसरा काम जो है वो मेरा, आज कबीर का 4th month सेलिब्रेशन है, तो एक छोटी सी पेस्ट्री लेकर आएंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा मीठा खाता नहीं है तो केक यूजुअली बेस्ट ही होता है घर में, तो एक पेस्ट्री लेकर आएंगे और छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे घर पे जगराज के साथ। बड़ी देर बाद कबीर सिंह जी अपनी नींद से उठे हैं, हमारे कुंभकर्ण जी, अलाओ अलाओ। तो हुआ कुछ ऐसा, आए तो सिफोरा शॉप करने थे, लेकिन हमने ये सब भी खरीदा, तो काफ़ी कुछ खरीद लिया है, थोड़ा बहुत बाथ एंड बॉडी शॉप से, अमेरिकन ईगल से डेनिम्स लिए हैं और मेकअप तो लेना ही था, कबीर के कपड़े लिए, उसके अलावा मैंने अपने लिए बॉडी सूट लेना था, सो या दिस लिटिल बिट मोर शॉपिंग देन व्हाट वी थॉट। अब हमने लास्ट स्टॉप हमारा वॉलमार्ट है, थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेना था बस, वो लेते ही हम लोग होपफुली घर चले जाएंगे और जगराज के लिए मुझे कुछ सामान पिक करना है।
आप देख सकते होगे कि डायपर बैग मेरे कंधों पे आ गए हैं, क्योंकि बेचारे कबीर का स्ट्रोलर पूरा लद चुका है सामान से, क्योंकि हमने ग्रोसरी भी करी थी। हालत दिखाते बेचारे के स्ट्रोलर की, यहाँ बैग, वहाँ बैग, यहाँ बैग ग्रोसरी का। तो अगर आप देख सकते हो हर जगह सिर्फ बैग्स ही बैग्स हैं, तो इसीलिए ये जो डाइपर बैग है ये मेरे कंधों पे आ गया। हम 12 बजे के निकले हुए घर से और 6 बज गए हैं, 5:58, और इतना तो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी देर लग जाएगी, बट इट टुक अस लाइक फॉर एवर एट सेफोरा बिकॉज इट वॉज टोटली जैम पैक्ड, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, वहीं पर ही 2-2.5 घंटे हमारे लग गए। तो अब फाइनली वी आर गोइंग टू द लास्ट स्टॉप टू बाय हिज पेस्ट्री, बिकॉज अगर पहले ले लेते तो मुझे था कि मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए अब हमने सोचा एंड में निकलते निकलते एक पेस्ट्री ले लेंगे और फिर घर जाके पेस्ट्री काटेंगे। सो आई एम गोना गो टू द स्टोर कॉल्ड एज सेकंड कप। आई थिंक कुकीज़ एंड क्रीम ले लेते हैं, है ना, ये दो ही ऑप्शन है, कुकीज़ एंड क्रीम और पीनट बटर है, या फिर कैरमल चीज़ केक ले सकते हैं। हाय देयर, कैन आई गेट अ वाइट चॉकलेट कैरमल चीज़ केक फॉर टेक अवे। फाइनली पेस्ट्री ले ली गई है कबीर की। मम्मी भूख लग रही थी, शांति पड़ी, बेचारा इतना कोऑपरेटिव बच्चा किसी ने देखा है? सुबह से मामा और नानी के साथ कितनी क्यूटली शॉपिंग करा रहा है मेरा नोना। पर की होया बच्चे नो, पर की होया नोनी नो, इतना सब कुछ अपने लिए लिया है तो जगराज के लिए तो एक गिफ्ट लेना बनता ही है, तो उसके लिए शर्ट ही है। आई होप वो खुश हो जाएगा ये सरप्राइज़ देख के। मैं यूजुअली जब भी मॉल आती हूँ उसको पता है कि मिट्टू ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएगी और कॉल करके पूछता है वेटिंग फॉर माई गिफ्ट, कब तक आ रही हो, मतलब उसको पता होता है कि खाली हाथ वापस नहीं आएगी, इसलिए इसके लेके शर्ट लिए। तो जी फाइनली अब मॉल के बाहर जा रहे हैं, हमने 3-4 बार सोचा चलो अब घर चलते हैं, फिर कोई स्टोर दिख जाता है तो हमें याद आ जाता है कि यार ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, बट फाइनली अब बज गए हैं शाम के, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, 6:47। तो जगराज भी वेट कर रहा है घर पे, फ़ोन आया था बेचारे का कब तक आओगे, मैंने कहा बस आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे का एक हो गया, कब आओगे, मेरे को बस और आधे घंटे में आ रहे हैं। बट हाँ उसका जॉब ख़त्म हो जाती है ना, तो वो थोड़ा वो हो जाता है कि यार आ जा अकेला बोर हो रहा हूँ, बट अब फाइनली घर जाएंगे और जगराज को दिखाऊंगी क्या क्या लाई हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या ख़रीदा है आज। जी बाहर आए हैं तो वेदर इज़ कम्प्लीटली चेंज, यहाँ का वेदर इज़ समथिंग दैट्स कम्प्लीटली अनप्रडिक्टेबल, आपको दिख ही रहा होगा बारिश हो रही है ज़ोरों शोरों से, और आज दोपहर को 12 डिग्री बहुत ही सनी था। बट आओ भाई मिशन लग रहा है इस स्ट्रोलर का सामान खाली करना, इतना भारी हो गया स्ट्रोलर, मूव नहीं करा जा रहा, बेचारी मम्मी मूव कर रही क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग करने में बिजी हूँ। भाई कहाँ से मॉल खरीद के लाए हैं, शॉपिंग हो रही है, पूरे 7 घंटे बाद आए हो तुम। वही वही मैं यही बता रही थी सबको कि 12 बजे के निकले हैं, 7 बजे हैं, शरीर खुद का टूट गया बिल्कुल। क्या क्या सामान लिया?